18th का बी सभी लोगों ने कर लिया है बेटा या समझा दूं? बेटा ऐसा मत सोचना कि अभिषेक ने बोल दिया ठीक है ओके है, मुस्कान ने बोल दिया ठीक है ओके है, उसको मतलब हम भी ओके बोल रहे हैं। अगर आप नहीं कर पाए हैं, चाहे एक भी बच्चा ना कर पाया हो, मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैंने रिकॉर्डिंग उसने सुना परसों खुशी का, उसको जब नहीं आ रहा है, जिसको भी ना आया है आना आता रहे, एक बार आप बोल के तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 18 का भी कितने लोग चाहते हैं कि मैं सॉल्व कर लूं, एक बार फिर से समझा दूं 18 का भी। इफ एनीबॉडी वांट दे कैन रेज देयर हैंड। कोमल तिवारी एंड आकृति प्राची जायसवाल इज आल्सो देयर। ओके, नो इशू, आई विल बी सॉल्विंग दिस वन। गौरव इज आल्सो देयर। गौरव लेट यू गो। आकृति बेटा, बच्चों को फिलहाल आप माइक बंद कर लीजिए, उन लोग को समझा दीजिए। माइक बंद करके आप एक बार आप खुला के बता दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 18 का भी क्या मुस्कान अभिषेक आप दोनों लोग कर ले गए थे? माइक ऑन रखिए बेटा, जिनके यहाँ पे पहले गलत हो अपना माइक ऑन रखे प्लीज। प्रशांत आप भी 18 का भी कर लिया था बेटा? यस सर, किए थे। फिलहाल एक चीज बताया गया था, सबसे बड़ा देर आर फोर टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। एक तो आपका ये है, ये है आपका ये, और तीसरा लाइन ब्रैकेट। सबसे छोटा ब्रैकेट आपका बार ब्रैकेट, इसको लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं, बार ब्रैकेट भी बोलते हैं दोनों। देखते हैं कि अभी अगर हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन इज सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर एक ब्रैकेट में माइनस टू लिखा है, ब्रैकेट बंद, फिर इंटू 30 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई एक ये वाला ब्रैकेट शुरू हुआ, 3 × 8 − 12 + ये आपका ब्रैकेट यहां पे है, ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर ही माइनस है, −10 − 6 तो ये ब्रैकेट यहीं पे बंद हो जा रहा है, +2 फिर ये भी ब्रैकेट बंद, ये भी ब्रैकेट बंद, इसी को तो सॉल्व करना है। Yes, sir. Yes, ध्यान देना है, क्वेश्चन 18th का ए ऑप्शन देखिए, लाइन ब्रैकेट जो 5 + 3 दिया है उसमें 5 के पहले भी माइनस लगा हुआ है ना? यस सर। बट क्या वो लाइन ब्रैकेट जो है, लाइन ब्रैकेट के अंदर है या बाहर है? अंदर है। −5 + 3 लिखा हुआ ना 18th का ए। यस सर। का ए जो वो 5 के पहले माइनस लगा है वो लाइन ब्रैकेट के अंदर आएगा, लाइन ब्रैकेट के नीचे है, उसको देखें। प्लस 18th बी का भी लाइन ब्रैकेट देखें, यहाँ पे भी एक माइनस है, 10 के पहले माइनस है ना? यस यस पहले भी माइनस है, वहां पे कैसे लिखा है 5 − देखो 5 + 3 ये माइनस है, लाइन ब्रैकेट ऐसे है, यहाँ पे कैसे है −10 + 6 ये लाइन ब्रैकेट यहाँ से है। ये लाइन ब्रैकेट में ये माइनस लाइन ब्रैकेट के अंदर नहीं है, लाइन ब्रैकेट आपको यहाँ से शुरू हो रहा है, लाइन ब्रैकेट के पहले माइनस लग गया है, समझ में आया? यस सर। यस सर। यहाँ पे क्या, ये जो ये माइनस का चिन्ह है ये लाइन ब्रैकेट के अंदर है। यस सर, समझ में आया? इसको ध्यान दीजिएगा। yes, ये लाइन ब्रैकेट के बाहर है, तो पहले जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये 5 + 3 होगा, यही उस दिन क्यों हो रही थी, 5 + 3 होगा कि −5 + 3 होगा?
नो सर, सर 5+3 होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये -10+6 होगा, सर -4 होगा। -10+6 ये -4 होगा। ये जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -4 होगा। इस ब्रैकेट के पहले, लाइन ब्रैकेट के पहले कौन सा निशान है आपकी बुक में? प्लस का है, ये प्लस का है। तो इस ब्रैकेट को जब हटाने के लिए आप सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा ना। अब इसको कुछ बचा नहीं, इसको हटा दीजिए आप, -4 ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -4 ही तो इसका आंसर आएगा। तो लाइन ब्रैकेट में क्या ध्यान देना है, साइन को कैसे आपको ध्यान देना है, कैसे आपको चेंज करना है, ये तो समझ में आ गया है ना। जो बार बार जो चिन्ह आपके बदल रहे हैं, बार बार जो यूज हो रहे हैं, वो मल्टीप्लाई करने पे, -(-)+(+)-(+)-(-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 )
थ्री इस मल्टीप्लाई थ्री इंटू थ्री इक्वल टू क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, थ्री मल्टीप्लाई थ्री इक्वल टू नाइन। इन द सेम वे फाइव टॉक अबाउट द थ्री नाइन ब्रैकेट में यहाँ पे थ्री, तो क्या यहाँ पे प्लस होगा माइनस होगा, इसको भी मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा ब्रैकेट yes, के अंदर, इसका आंसर क्या होगा थ्री थ्री का नाइन, कभी नाइन। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे है फिर तो क्या इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो नो सर सर ऐड करेंगे, ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं है तो इसका मतलब वन है, ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं है उसका मतलब वन है, तो थ्री प्लस वन थ्री जा थ्री इक्वल टू कितना सिक्स। ये दो अलग अलग चीजें हैं, तीन, समझ में आया, इसका इक्वल टू yes, सिक्स आंसर होगा। तो इस तरह से जैसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ब्रैकेट के अंदर, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया कि इनकेस किसी को ना समझ में आ रहा हो एक बार रिपीट कर ले। Yes, sir. एक क्वेश्चन में और भी एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व किया थ्री टू प्लस वन एक ब्रैकेट यहाँ पे और ऐसे किया फाइव, यहाँ पे दो ब्रैकेट है, अभी मैं ऊपर वाला सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना, अभी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं शुरू किया, अभी आपको मैं एग्जांपल सेट कर रहा हूँ हाउ वी हैव टू सॉल्व, हाउ वी हैव टू ब्रेक द ब्रैकेट। ये कौन सा, ये ब्रैकेट बड़ा है कि ये वाला जरा बड़ा है ना, यस ये बड़ा ब्रैकेट में, ब्रैकेट छोटा हो बड़ा हो चाहे जैसे हो, अगर बीच में कोई साइन नहीं है तो दैट मींस कि वी हैव टू मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई फाइव में इतने पूरे से मल्टीप्लाई करना है, पूरे से मल्टीप्लाई करो या तो फिर सॉल्व कर लो फिर मल्टीप्लाई करो, बात देखिए हम या तो पूरे को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें या तो पहले सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर दें, बात तो एक ही हो, बात तो एक ही है। यस सर, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट तोड़ने के लिए सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, सबसे बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मैं ऐसे कॉपी कर ले रहा हूँ, फिर सर्कल बनाया, अब ब्रैकेट सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को तोड़ा जाता है, तो जो नहीं तोड़ना yes, तो आप वैसे जस्ट का जस्ट कॉपी करेंगे, टू प्लस थ्री, टू प्लस मन इक्वल टू थ्री, यहाँ पे थ्री आएगा और ये ब्रैकेट ऐसे बंद होगा, तो ये थ्री, अब इसके बीच में कोई निशान नहीं है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा या प्लस होगा या माइनस होगा, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होगा, यही मैंने अभी समझाया था, थ्री इंटू थ्री इक्वल टू नाइन, थ्री ब्रैकेट के अंदर थ्री आया तो नाइन, थ्री प्लस थ्री आया तो सिक्स, थ्री प्लस ब्रैकेट में थ्री आया तो भी सिक्स, ये कैसे आया ये क्लियर है ना, नीचे वाला दिख रहा है बेटा कि नहीं, सब दिख रहा है, थ्री इंटू थ्री को नाइन, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में कोमल, समझ में आ रहा है बेटा, यस सर, थ्री ब्रैकेट के अंदर है बीच में कोई साइन नहीं है तो दैट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई थ्री ब्रैकेट के अंदर, तो थ्री थ्री जा नाइन, लेकिन यहाँ पे थ्री प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स, तो थ्री किस तरह, थ्री प्लस या ब्रैकेट में जब इसके पहले कुछ भी ना हो
ये थ्री है, अगर ऐसे कर दिया गया तो ये वन है, वन थ्री जै थ्री। ओके, तो ठीक इसी तरीके से आप इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या हुआ कि आपने ऐसे सॉल्व किया, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर आपने फिर ब्रैकेट शुरू किया, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, थ्री थ्री जाए नाइन हो जाएगा। यस सर, नाइन प्लस टू इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा, इलेवन। इलेवन ब्रैकेट बंद, फिर इसके बाद सीधा इलेवन फाइव जाए फिफ्टी फाइव हो जाएगा ना। यस सर, फिफ्टी फाइव हो जाएगा ना आंसर। यस सर, तो ब्रैकेट तोड़ना कैसे क्या है ये सब चीजें क्लियर है? यस सर। यंशु आपका वीडियो बंद है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है क्या करना चाहिए, अब बिल्कुल बंद किया करिए, जानबूझ के अगर बंद करेंगे वीडियो तो अच्छी बात नहीं है। नाउ वी हैव टू कम टू योर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ फोर काइंड्स ऑफ ब्रैकेट, एक ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, ये भी है ये लाइन ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट तोड़ना का मतलब ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करना, जब सिंगल डिजिट आ जाएगा तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। इसको चाहेंगे वैसे खत्म कर दे, इसको कोई सॉल्व करने की बाकी नहीं है, मेन ब्रैकेट तो आपको ये है, इतना बड़ा ब्रैकेट इसके अंदर इतना सारा नंबर, इसको उठा के एक सिंगल नंबर बनाना है जिसमें हम ब्रैकेट हटा सके। लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट और है, इस ब्रैकेट के अंदर भी इतना लंबा, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट को सिंगल नंबर बनाइए, फिर उसको हटाइए, फिर जाके पूरे ब्रैकेट को हटाएंगे, और इस ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट ये है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को, सबसे छोटे ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर तो कोई ब्रैकेट नहीं है ना सर, है इस नहीं, ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ये वाला लाइन ब्रैकेट है, इस लाइन ब्रैकेट के अंदर भी कोई ब्रैकेट है? नो सर, नो सर, लाइन ब्रैकेट के अंदर नो सर, लाइन ब्रैकेट को सबसे पहले हटाते हैं। यस सर, लाइन ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस टेन माइनस सिक्स इक्वल टू, बेटा प्राची आपका माइनस सिक्सटी, गौरव तिवारी आपका भी माइक बंद है, का बैठे वालों का माइक और वीडियो दोनों बंद है, इसलिए मैं इनको बाहर कर रहा हूँ, सब्यांशु को बाहर किया जा रहा है, इनका माइक वीडियो दोनों बंद है, ठीक है बाहर हो गए। सब्यांशु को रिमूव किया गया, चलिए ठीक है। फिलहाल ऐसे में हम अगर लाइन ब्रैकेट को हटाते हैं तो लाइन ब्रैकेट के अंदर है क्या, लाइन ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है? माइनस टेन माइनस टेन माइनस सिक्स, तो माइनस टेन और माइनस सिक्स को पहले सॉल्व कर लें, तो माइनस टेन माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस माइनस सिक्सटीन, लाइन ब्रैकेट के अंदर माइनस सिक्सटीन होगा ना, आप तो कुछ सॉल्व करने के लिए बचा नहीं, तो किस बात का ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है ना, तो इससे माइनस करना पड़ेगा, मतलब वन समझो, तो वन माइनस सिक्सटीन इक्वल टू प्लस वन माइनस सिक्सटीन इक्वल टू माइनस सिक्सटीन आएगा ना। यस सर, पहली बार ऐसे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा यहाँ पे लिख दे रहे हैं माइनस सिक्सटीन, ये प्लस आएगा तो प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस माइनस, यही मैं माइनस यही मैं नीचे लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, बनाता हूँ जिससे स्पेस रहे, माइनस टू ब्रैकेट थर्टी डिवाइडेड बाई, फिर जो दूसरा ब्रैकेट शुरू हुआ थ्री इंटू एट माइनस ट्वेल्व, अब क्या है इसको आपने सॉल्व किया ना? यस सर, प्लस के साथ जब हुआ तो प्लस वन इंटू माइनस सिक्सटीन इक्वल टू माइनस माइनस सिक्सटीन, माइनस सिक्सटीन, यस सर, प्लस माइनस 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 सिक्सटीन आ जाएगा, ये ब्रैकेट फिर बंद है, ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, इसके बाद प्लस टू है, फिर समझ में आया? यस सर, फिर से शुरू करते हैं, अब इसके बाद देखिए, अब आपका लाइन ब्रैकेट खत्म हो गया, अब क्या बचता है, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर में ये दो ब्रैकेट, ये इसके अंदर भी ये ब्रैकेट, इसके अंदर कोई ब्रैकेट नहीं है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे। यस सर, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करिए, इस ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, ट्वेल्व है और माइनस सिक्सटीन है, 12 माइनस सिक्सटीन इक्वल टू व्हाट, व्हाट वी कैन राइट सर, माइनस फोर, माइनस फोर, माइनस, यही तो सॉल्व करेंगे। यस सर, ये जब ब्रैकेट यहाँ से हटाएंगे
ये माइनस फोर यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ही तो, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा ना। यस सर। कुछ भी नहीं है तो वन, लेकिन ये वन क्या है, माइनस वन है, तो माइनस वन इंटू माइनस फोर इक्वल टू सर प्लस फोर हो जाएगा। तो माइनस माइनस फोर हो जाएगा, एक प्लस फोर लिख के आएगा। ठीक है, यही मैं अभी लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। आपका टू इंटू थ्री डिवाइडेड बाई थ्री इंटू एट माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन इक्वल टू माइनस फोर। अब इसको अगर मैं बताऊं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस फोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा। यस सर। तो माइक फिर से ऑन कर लो बेटा, मेरी आवाज रिटर्न आने लगी थी आपके यहाँ से। प्लस टू बेटा, यही अगर प्लस टू के बजाय अगर आपका सिंगल टू होता तो चाहे आपका इधर रहे चाहे इधर रहे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन आप प्लस है yes, तो इस ब्रैकेट से बाहर जो ब्रैकेट होगा उसमें जुड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर यही प्लस ना होता, सिर्फ टू लिखा होता तो माइनस फोर आता ना, तो माइनस फोर इंटू टू होता। प्लस करना चाहना है इसलिए प्लस होगा इंटू नहीं होगा, समझ में आया? यस सर। ब्रैकेट से बंद हुआ, अब कौन सा ब्रैकेट बचा? अब तो केवल यही ब्रैकेट बचा, अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं। बट इन दिस ब्रैकेट देयर इज टू काइंड ऑफ ऑपरेशन, वी हैव टू मल्टीप्लाई अलोंग विद एडिशन। एडिशन तो सबसे द फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड बी मल्टीप्लाइंग, सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई होगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 3 4 24 30 तो आएगा। Yes, sir. इस पूरे को क्या आएगा, 30 आएगा, तो 30 आपका यही तो ब्रैकेट हो जाएगा, बात ऐसे ही तो है। Yes, sir. पहले माइनस है या प्लस है, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो आप इसको सीधा डिवाइड कर देंगे, तो क्या इसका आंसर आया, माइनस टू इंटू थ्री डिवाइडेड बाई थर्टी ये तो हुआ। अब इसको अगर हम हटा दें, इसको माइनस थर्टी को हटाएं तो इसको प्लस थर्टी तो आ जाएगा। अब थर्टी को आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले डिवाइड करना चाहिए, डिवाइड तो यही होगा कि मल्टीप्लाई पहले कर दें, पहले डिवाइड होगा, पहले डिवाइड। थर्टी थर्टी क्या आएगा, वन आएगा, वन इंटू माइनस टू इंटू कितना आंसर आ गया, माइनस टू। कितने लोगों ने सॉल्व किया, सेम आंसर आया है, माइनस टू ही आंसर है या कुछ और है? दो बार किए थे, एक बार दो बार किए थे, माइनस टू एक बार आया था, एक बार माइनस सिक्स। तो एक बार कहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या सही है, किसको सही माना जाए, आपके पीछे अगर आंसर से मैच करें तो क्या आंसर आ रहा है, एटीन का बी आपका सेकेंड ऑप्शन, दैट इज माइनस सिक्स, माइनस सिक्स आ रहा है, लेकिन माइनस सिक्स कैसे आ रहा है, कैसे क्लियर होगा, जो फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं, है कि नहीं? यस सर। माइनस टेन माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस सिक्सटीन, ये तो सही है ना? यस सर। तो 12 माइनस सिक्सटीन हो जाएगा ये, ठीक है, 12 माइनस सिक्सटीन इक्वल टू माइनस फोर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस फोर हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस फोर हो जाएगा, इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस फोर हो जाएगा, माइनस सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व माइनस फोर प्लस फोर, प्लस फोर हो जाएगा वहां पे, प्लस टू हो जाएगा, ठीक है, प्लस फोर प्लस टू यानी प्लस सिक्स हो जाएगा, प्लस सिक्स। एक चीजें हैं यहाँ, गलती यहाँ पे हुई है बेटा, ठीक है, यहाँ पे गलती क्या हुआ है, ये प्लस फोर हो गया प्लस टू हो गया, लेकिन ये 24 जब आपने यहाँ पे किया, सबसे पहले माइनस सिक्सटीन हो गया, माइनस सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व इक्वल टू माइनस फोर, माइनस फोर को जब बाहर निकला है ब्रैकेट से तो प्लस फोर हो गया, प्लस फोर ठीक है, प्लस टू बचा है, फिर आपको ब्रैकेट बचा है, ब्रैकेट के अंदर एट थ्री जा 24, आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया, एट थ्री जा 24, फिर प्लस फोर प्लस टू, प्लस फोर प्लस टू, प्लस फोर प्लस टू, तो फिर 24 28 30, ठीक है, 30
टी रह गया, इससे जितना भी आंसर आएगा इससे इसको हम डिवाइड करेंगे पहले, इसलिए ठीक है वही हुआ, इसका आंसर आया 30, इसको डिवाइड कर दिए, इसका आया आंसर 1, बेटा माइनस 2 इज द आंसर। किसी को डाउट लग रहा हो या गलत लग रहा हो रूल के हिसाब से माइनस 6 कैसे आंसर आया बेटा? मुस्कान लाइन पे है या नहीं? आपके बुक में बेटा आंसर गलत है, एक आंसर आपका और गलत है। आपको क्वेश्चन नंबर 14 जब देखेंगे ना आप, जैसे चैप्टर चेक नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 भी कोई सॉल्व कर पाया है कि नहीं? सर किया है, -30 का कितना आंसर आ रहा है? -36 यस, हाँ वो आंसर सही है। बट अगर आपका जो भी आंसर आपके बुक में छपा रहता है कोई जरूरी नहीं कि वो सही हो, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, आपके बुक में तो गलत ही है ना? कितने लोगों ने इसको सॉल्व किया है? आपको कितना आया बेटा? अलका आपको कितना आया है? -2। हाँ बेटा बाकी आप बताइए कितना आंसर आपका आया? -2। -2 ही आंसर आ रहा है ना? और कितना और सॉल्व किया कि नहीं? -2। अगर आपने सॉल्व किया है तो यस करें, मतलब वो हैंड रेज करें, अगर नहीं सॉल्व किया है तो मत उठाएं। सॉल्व किया ये क्वेश्चन कि नहीं? अच्छा कितना आंसर आया है यू कैन सेंड थ्रू चैट बॉक्स, आप लिख के भेज सकते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है अगर। ओके प्रशांत बेटा व्हाट इज योर आंसर? श्रेय आप लिख के भेज दीजिए, मोड में जाके चैट पे क्लिक करिए, चैट में लिख के भेज दीजिए। प्रशांत आप बताइए व्हाट इज योर आंसर? सर -2। बेटा -2 ही आना चाहिए, -2। अब तुम्हारा 6 कैसे आंसर आया था अभिषेक? -6 आपका कैसे आ गया था? सर उस बार गलत हुआ तो मैंने सोचा एक बार और कर, तो -6 तो -2 आया। लेकिन आपके बुक में जो आंसर है वो -6 ही, मतलब उसमें प्रिंट है, पीछे आंसर कीज है, कई लोग देख रहे हैं उसमें -6 ही है, तो कई लोगों ने -6 ही तो किया होगा। तो बेटा इसीलिए कहा गया है आंसर पे, फिलहाल जब आप लोग बुक होमवर्क भेजते हैं तो आपके सॉल्व करने के तरीके से मुझे पता चल जाता है कि आप लोग कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस सही फॉलो कर रहे हैं। आप प्रोसेस फॉलो किए रखेंगे सही से फिर इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, आप लिख रहे हैं लिख रहे हैं तो दैट इज रॉन्ग। इसके अलावा कोई क्वेश्चन चैप्टर चेक में, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत? बेटा इसका अटेम्प्ट का बी का जो फाइनल आंसर होगा -2 ही होगा, ठीक है? यस सर, यस सर। चैप्टर चेक में आपका फर्स्ट से लेकर 14th तक किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में? अगर ये ना प्रॉब्लम हो तो नया चैप्टर मैं शुरू करूँ नेक्स्ट क्लास से। हाँ बेटा एंड्रेज करिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। आदर्श पहले आप बताइए। बेटा आवाज ही नहीं आ रही है, मैं क्या डिस्कस करूं, मैं बोल रहा हूँ तेजी से बोलिए। उत्तर आप बताइए, आदर्श की आवाज नहीं आ रही है। नाइन। उत्तर आप बताइए। बेटा उसका की आपकी भी नहीं आवाज रही, लिख के भेज दीजिए जिसको जो प्रॉब्लम है। अभिषेक आप बताइए। सर किया कोई भी क्वेश्चन नहीं, दिक्कत है? प्राची आपको कोई प्रॉब्लम बेटा? प्राची यस सर। हाँ बताइए। तो सेवन 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 अभी कर दे रहा हूँ। सेवन के अलावा अलका सर नाइन 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 ही आपका, आदर्श का भी है, उत्कर्ष का भी है, ठीक है। और भी किसी को 9-7 के अलावा? चलिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, वेरीफाई। आपको एक क्वेश्चन दिया है उसमें वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एबीसी, कोई
एबीसी की वैल्यू रखते हुए हमें वेरीफाई करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आर है राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। यस सर। तो फिलहाल एक बार चेक करते हैं कि इक्वल है या नहीं है। लेते हैं फिलहाल पहले क्वेश्चन लिखते हैं। ये तो बहुत आसान था ना, आपको सिर्फ वेरीफाई कर लेना है टू ए प्लस बी पूरा, इसको पूरा डिवाइड किया गया है टू बी इससे इक्वल टू टू ए प्लस सी ए बाई सी प्लस बी बाई सी, यही तो है क्यों? यस सर। अपन आप ही को तो दिक्कत है ना, तो मान लीजिए एक ही वैल्यू आपने रख दिया, जो बोलो वो रख दे, बी आपको ए बी सी की कोई भी वैल्यू रखनी पड़ेगी, कोई भी इंटीजर लिखना पड़ेगा, फिर इसको हम वेरीफाई करेंगे। ध्यान रखना ए जो भी आप रखेंगे हर जगह ए में वही वही इंटीजर रखेंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पे ए माइनस टू कर दें और यहाँ पे ए माइनस फोर कर दें। एक ही वैल्यू मतलब हर जगह एक ही वैल्यू, बी की मतलब दोनों साइड बी की सेम वैल्यू, बी की मतलब सी की सेम साइड सेम वैल्यू, और फिर हमें चेक करना कि वैल्यू इज इक्वल और नॉट इक्वल। बाकी बताइए ए इक्वल टू व्हाट शुड आई राइट, क्या लिख दूं मैं? आवाज क्लियर नहीं आ रही। ए इक्वल टू वन रख लिया मान लीजिए मैं, बी इक्वल टू टू, सी इक्वल टू थ्री, कुछ भी रख सकते हैं आप। आप टेन रख लीजिए, फिफ्टी रख लीजिए, ट्वेंटी कर दीजिए, टू लिख दीजिए, फोर लिख दीजिए, सिक्स लिख दीजिए, जीरो लिख दीजिए, वो बस इंटीजर हो। माइनस में भी रख सकते हैं, अगर आपने माइनस कर दिया माइनस टू उसको कर दें, ये प्लस टू कर दीजिए। यस सर भी हो ठीक है। यस सर। यस सर। मान लीजिए माइनस है, माइनस ही मैं दे रहा हूँ, टू के जगह टू लिख दिया, एक इक्वल टू क्या लिखूं? माइनस टू। माइनस प्लस थ्री के जगह पे क्या लिखूं? टू टू टू। ब्रैकेट थ्री के जहाँ पे क्या लिखूं? थ्री थ्री इक्वल टू ए के जहाँ पे क्या लिखूं? माइनस टू। माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू थ्री तो है थ्री प्लस टू बाई थ्री प्लस बी अपॉन सी मतलब बी इक्वल टू टू सी इक्वल टू थ्री, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वट एवर द इंटीजर्स यू हैव थॉट, वट एवर द इंटीजर्स यू हैव डिसाइडेड, we have put all the integers as per this evaluation, मतलब this equation, ठीक है? अब इसको solve yes, करते हैं, solve कैसे करेंगे? ये तो पूरा finally इसको multiply करना है, 2 minus 2 equal to, yes, sir. ये multiply होगा ना bracket के अंदर, yes, sir. time नहीं है, तो सबसे पहले इससे minus हो, इससे multiply होगा, फिर इससे होगा, क्योंकि अलग अलग है, या तो पहले इसको plus कर लो, इसको solve कर लो, फिर multiply कर दो, तो answer इसका, अगर पहले इसको एड कर ले या इसको सॉल्व कर दे, क्या आंसर आएगा? माइनस टू प्लस टू इक्वल टू जीरो ना? यस सर। तो टू इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो भी जीरो ही आंसर आएगा। टू माइनस टू इक्वल टू टू, माइनस टू इक्वल टू माइनस फोर, टू प्लस टू इक्वल टू टू इंटू टू टू जा माइनस फोर, टू टू जा फोर अपॉन थ्री इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे थ्री टू जा सिक्स, थ्री जा सिक्स सिक्स प्लस सिक्स में ये ऐड होता था ना, सिक्स yes, में माइनस टू प्लस करेंगे कितना आंसर आएगा? माइनस फोर। सिक्स में माइनस टू प्लस करेंगे, टू नहीं प्लस करेंगे, माइनस टू प्लस करेंगे, तो क्या होगा ये? माइनस फोर अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन थ्री, क्या है आंसर? माइनस फोर जीरो अपॉन थ्री प्लस क्या आंसर आया इसका? माइनस टू अपॉन थ्री, यही तो आया, इसको सॉल्व करेंगे। यस सर। थ्री माइनस फोर प्लस टू प्लस फोर प्लस टू क्या आएगा? माइनस टू अपॉन थ्री, और ये क्या आया? जीरो आया, तो क्या ये इक्वल है दोनों? सर नहीं, तो क्या yes. है? दिस इज नॉट इक्वल, एल एच एस इज नॉट इक्वल टू द आर एच एस, यही तो है इसका आंसर। यस सर। अभिषेक आपका क्या आंसर आया था? इक्वल आया था किसी का? सर यस सर। आपका इक्वल आया, कौन सी क्या वैल्यू आपने रखा है? सर ए का सेवन, बी का फोर्टीन एंड सी का ट्वेंटी वन। चलिए मैं एक बार देखता हूँ, इसको इस साइड रखता हूँ, आपका इधर सॉल्व करूंगा। टू
ए प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू टू ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। तू ए का कितना रखा बेटा? सर ए का 7, बी का 14 एंड सी का 21। 21 या 21? यस सर। चलिए देखते हैं। टू ए के जहाँ पे क्या रख दें 7, बी के जहाँ क्या रख दें 14 अपॉन 21, यही तो है। यस सर। टू ए के जहाँ पे 14 अपॉन 21 यहाँ पे प्लस 14 अपॉन 21, ये तो है। यस सर। इसको सॉल्व करते हैं। 27 जा 14। यस सर। 14 जा 28 अपॉन 21। इसको सॉल्व करते हैं। 21 टू जा 42, 42 प्लस 14 सर इसमें सर 7 हो गया आपका। इसमें अच्छा सॉरी सेकंड 7 अपॉन 21 होगा। ठीक है। यस सर। हाँ 21 इंटू 2 इक्वल टू सर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 21 इनटू 2 इक्वल टू इसको मिक्स फ्रैक्शन है पहले आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करिए कितना आएगा इसका 21 इक्वल टू 42 42 प्लस 7 इक्वल टू 49 अपॉन 21 सही है प्लस 14 अपॉन 21 अब इसको सॉल्व करते हैं 21 28 प्लस 14 इक्वल टू 42 बेटा अभिषेक यस सर आप इसको सॉल्व करिए यस सर कहाँ पे इक्वल है दोनों इक्वल हैं अभिषेक इक्वल है सर नहीं कहाँ पे आपने कहाँ पे गलती किया या मैंने गलती किया कहाँ पे भूल हुई है देखिए भूल किसी से भी हो सकता है फिलहाल मुझे लगता है कि हमने कहीं पे चूक नहीं किया है सर इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको आपने सही से मिक्स फ्रैक्शन को चेंज नहीं किया हो ऐसा तो नहीं है तो नहीं चेंज किया क्या किया आपने कहाँ पे गलती हुई आपसे सर यहीं पर हुई है इसको क्या किया था आपने क्या लिख दिया इसको 49 अपॉन 21 के बजाय क्या लिख दिया इसको तो पहले ऐड कर लिया उसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई क्या ऐड किया 21 इंटू 2 यस सर इसको लिखा क्या है तुमने ये बताइए 49 अपॉन 21 के बजाय क्या लिखा है सर पहले सर मुझे लगा ये इम्प्रॉपर नहीं है सर ये ऊपर राइट है ये प्रॉपर है साफ साफ लिखा है 2 अपॉन ए बाई सी दैट मीन्स की फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस वन ना यस सर अभी तो ये प्रॉपर आपका फ्रैक्शन में आएगा तब एलसीएम निकाल के आप ऐड करेंगे क्लास 7 में पहुंच जाते हैं ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना तो व्हाट यू डिसाइडेड एलएचएस इक्वल टू आरएचएस नो सर क्या आपने वेरीफाई किया बेटा चाची वेरीफाई करने के बाद क्या आप आंसर लिख सकती हैं कि एज पर वेरिफिकेशन यहाँ पे साफ साफ ने लिख दिया 10 THUS 10 10 में से इस प्रकार इट्स वेरीफाइड दैट LHS इज नॉट इक्वल टू द RHS RHS वेरीफाई आंसर हो ही नहीं सकता ये इक्वल है ही नहीं ओके इट इज नॉट इक्वल टू और भी किसी को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं सर आ गया यस सर कोमल आदर्श उत्कर्ष आ गया प्रशांत महिमा आकृति रत्नेश यस सर